Drift of electrons and the origin of resistivity. As remarked before, an electron will suffer collision with the heavy fixed ions, but after collision it will emerge with the same speed but in random direction. जैसे कि हम पीछे पैराग्राफ में देख चुके हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है वो कोलिजन उसमें कोलिजन हो रही है विद डिफरेंट पॉजिटिव आयंस इन अ मेटल और इन अ कंडक्टर, तो आफ्टर कोलिजन उसकी स्पीड जो है वो सेम है बट उसकी जो डायरेक्शन है वो रैंडम है, उसकी डायरेक्शन कोलाइड करने के बाद रैंडम हो जा रही है। जैसे वो कोलाइड करता है इलेक्ट्रॉन तो उसकी डायरेक्शन रैंडम यहाँ पर डायरेक्शन हो जा रही है। इफ़ यू कंसिडर ऑल द इलेक्ट्रॉन देयर वेलोसिटी विल बी ज़ीरो सिंस द डायरेक्शन आर रैंडम, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कोलाइड करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो जो एवरेज वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगी। जैसे कि यहाँ किया भी गया है तो जो एवरेज वेलोसिटी द वेलोसिटी ऑफ द आईथ इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन टाइम इज गिवन बाय 1/n समेशन ऑफ वी आई इज इक्वल टू जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी ये बताई गई है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी। कंसिडर नाउ द सिचुएशन व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेटेड ड्यू टू दिस फील्ड। तो अगर हम अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे बिकॉज वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है और वो एक्सेलरेट करेंगे, और एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से ही दिया गया जो हमने पीछे देखा था कि कैसे आया, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ई कैपिटल ई बाय एम। अगर इसको मैं फिर भी आपको बताऊँ तो एफ पीछे जो था वो था ई कैपिटल ई, ये हमने देखा था पीछे, और यहाँ से हम एफ को हम एम ही लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो माइनस सी बाई ई, तो यहाँ से जो ए आ जाएगा वो माइनस ई, यहाँ से जो एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस ई जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर नीचे एम आ जाएगा, तो यहाँ से ये फॉर्मूला इस तरह से आया। तो वेयर माइनस ई इज़ द चार्ज एंड एम इज़ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कंसिडर अगेन द आईथ इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन टाइम टी। अब हम एक पर्टिकुलर आईथ इलेक्ट्रॉन जो कोई सा भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है उसकी बात कर रहे हैं, एक टाइम पे टी टाइम पे हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर टी टाइम पे। तो दिस इलेक्ट्रॉन वुड हैव हैड इट्स लास्ट कोलिजन सम टाइम बिफोर टी, तो हम टी टाइम पे बात कर रहे हैं, जैसे हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे बात कर रहे हैं तो उसका कोलिजन, इस इलेक्ट्रॉन का कोलिजन किसी आयन से कब हुआ था, इस टी टाइम से तो कुछ टाइम पहले। एंड लेट टी आई बी द टाइम इलेप्स आफ्टर इट्स लास्ट कोलिजन, तो इसको ये कोलाइड हुआ और कोलाइड होने के बाद ये इस टी टाइम में, इस टाइम पे कब कितने टाइम में पहुंचा, तो इस टाइम में पहुंचने के लिए कोलाइड होने के बाद इसको टी आई टाइम लगा, तो यही टाइम इलेप्स बताया गया इसमें। तो टी आई टाइम क्या है, जब ये आयन ये इलेक्ट्रॉन इस आयन के साथ कोलाइड हुआ और कोलाइड होने के बाद ये इस टाइम तक पहुँचा, वो कहीं भी किसी भी पोजीशन पे पहुंच सकता है, डायरेक्शन टकरा गई इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो कितना टाइम इसको इलेप्स हुआ इस कोलिजन के बाद उसको हमने टी आई बोला है, और टी हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम में आफ्टर द कोलिजन कंसिडर कर रहे हैं। इफ़ वी आई वॉस इट्स वेलोसिटी इमिडिएटली आफ्टर द लास्ट कोलिजन देन इट्स वेलोसिटी कैपिटल वी आई एट टाइम टी इज, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ किया है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है उस इलेक्ट्रॉन की वो स्मॉल वी आई है, एक्सेलरेशन हमने अभी कैलकुलेट किया था वो एक्सेलरेशन हमारा ये ई कैपिटल ई बाय एम हो गया, और टाइम हमारा टी आई क्योंकि इतना टाइम उसने इलेप्स किया है आफ्टर द कोलिजन, इनिशियल वेलोसिटी उसकी वी आई हो जाएगी जो कि कोलिजन के ठीक बाद थी उसकी, और कैपिटल वी आई अब जो उसकी वेलोसिटी हो गई उसकी वेलोसिटी अब है एट दिस वेलोसिटी इज एट टी टाइम पे, ये उसकी वेलोसिटी है टी आई टाइम इलेप्स है, कितना टाइम उसे लगा उस कोलिजन के बाद इस टी टाइम तक, इस टी टाइम तक उसे कितना टाइम उसने लिया कोलिजन के बाद, तो उसके बाद सिंस स्टार्टिंग विद दिस इन लास्ट कोलिजन इट वॉज एक्सेलरेटेड विद एन एक्सेलरेशन गिवन बाय इक्वेशन 3.15, तो कोलिजन के बाद उसने क्या किया, एक्सेलरेशन किया, और एक्सेलरेशन हमने अभी देखा किस फॉर्मूले से दिया है 3.15 से
हमने इसको देखा था कि ये इस तरह से यहाँ पर इस फॉर्मूले से हमने एक्सेलरेशन को दिया था। तो कोलिजन के बाद वो एक्सेलरेट करने लगा था टी टाइम तक। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट टाइम टी इज़ द एवरेज ऑफ ऑल द वी आईज। और जो एवरेज वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी यहाँ कि स्मॉल वी आई जो है वो उसकी टकराने के ठीक बाद वेलोसिटी थी, और जबकि कैपिटल वी आई उसकी वेलोसिटी है एट टाइम जो हमने कंसिडर किया है टी। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसकी एट टकराने के एकदम बाद वो कितनी होगी, ज़ीरो। ये हम निकाल चुके हैं। आफ्टर इमिडिएटली आफ्टर द कोलिजन उसकी वेलोसिटी इतनी होगी, लेकिन अब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में वो एक्सेलरेट करता है, तो उसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी। अब हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसमें अब द एवरेज ऑफ वी आई इज ज़ीरो, द एवरेज ऑफ वी आई इज ज़ीरो, द एवरेज ऑफ वी आई इज ज़ीरो सिंस इमिडिएटली आफ्टर एनी कोलिजन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कम्प्लीटली रैंडम। तो वही मैंने अभी जो बताया आपको कि वी आई ज़ीरो होगा, सॉरी वी आई एवरेज ऑफ वी आई, वी आई का जो एवरेज होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि टकराने एकदम बाद सबकी डायरेक्शन क्या है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबकी डायरेक्शन रैंडम है, उन सबकी डायरेक्शन टकराने कोलिजन के बाद विद द आयन रैंडम है। तो ठीक बात, सबकी जो वेलोसिटी होगी वो रैंडम होगी, उनकी वेलोसिटी होगी, लेकिन सारी वेलोसिटीज़ का जो एवरेज होगा, एवरेज ऑफ दिस इनिशियल वेलोसिटीज़ विल बी ज़ीरो, जो हमने अभी देख चुके हैं। उसके बाद द कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डू नॉट अकर एट रेगुलर इंटरवल बट एट रैंडम टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। द कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डू नॉट अकर एट रेगुलर इंटरवल बट एट रेगुलर रैंडम टाइम्स। तो जो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो रहा है वो ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हो रहा है, वो कभी भी कोई, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है ये इस आयन से बहुत समझ में, ऐसे नंबर ले रहा हूँ 2 सेकंड के ऊपर टकराया, ये बहुत समझने के लिए मैं 2 सेकंड ले रहा हूँ, और दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो 3 सेकंड के ऊपर टकराया, ऐसे एक और इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे आयन से 1 सेकंड के ऊपर टकराया। तो जो एक कोलिजन है ये एक रैंडम टाइम में हो रहा है, ऐसा नहीं कि रेगुलर इंटरवल पे सारे 1 सेकंड के बाद ही टकराएंगे या 2 सेकंड के बाद टकराएंगे, ये सारे अलग अलग टाइम इंटरवल पे टकरा रहे हैं, क्योंकि ये रैंडमली अरेंज है आयंस और इलेक्ट्रॉन्स उनका, इसलिए इन सब का जो कोलिजन है वो रैंडम टाइम्स पे हो रहा है। उसके बाद लेट अस डिनोट बाय टाउ द एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। तो जो एवरेज टाइम है, जो हमने टाइम इलेक्स फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन लिया था हमने टी आई क्या था, टी आई था जो इलेक्ट्रॉन आयन से टकराया उसके बाद वो टी टाइम तक रीच करने में, टी टाइम तक जो हमने टाइम कंसिडर किया उतना उसने कितना टाइम इलेप्स किया। अब इन सब का भी, अगर सारे इलेक्ट्रॉन का जो ये टाइम इलेप्स है उसका भी मैं एवरेज लूँ, एवरेज ऑफ दिस, इसका भी अगर एवरेज लूँ तो मैं उसको क्या बोलूँगा, उसको मैंने एक सिंबल दिया टाओ। तो आपको ये बात समझिए, जो टाओ है वो टाइम इलेप्स है ऑफ, एवरेज टाइम इलेप्स है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ऐसा हम कह सकते हैं, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम इलेप्स होगा वो ये होगा एवरेज टाइम इलेप्स बिटवीन टू टाइम, जो इलेक्ट्रॉन दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में ले रहा है उसका सबका एवरेज टाओ होगा। इसके बाद देन एट अ गिवन टाइम सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन वुड हैव स्पेंड टाइम मोर देन टाओ एंड सम लेस देन टाओ। तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिन्होंने टाओ टाइम से ज़्यादा टाइम, क्योंकि ये एवरेज है सारे टाइम इलेप्स का, ये टाइम इलेप्स टाइम इलेप्स 1 हो गया, टाइम इलेप्स 2, टाइम इलेप्स 3, टाइम इलेप्स 4, इस तरह से ये सारे टाइम इलेप्स का एवरेज है, टाइम इलेप्स का ये एवरेज है। तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे होंगे जो इस टाइम इलेप्स से टाओ से कुछ ज़्यादा टाइम लेंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो इस टाइम से कम टाइम लेंगे। तो इसमें यही चीज़ लिखी है। उसके बाद इन अदर वर्ड द टाइम टी आई इन विच इन इक्वेशन 3.16, तो इक्वेशन 3.16 हमारी
ये थी। तो ये TI जो है, टाइम इलेक्स बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन भी बोल सकते हैं हम, वो क्या होगा, कई बार टाउ से लेस होगा और कहीं बार टाउ से ज़्यादा होगा। द एवरेज वैल्यू ऑफ TI देन इज टाउ, नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। और जो ये TI की एवरेज वैल्यू है, सारे इलेक्ट्रॉन का अगर मैं एवरेज निकालूं तो उसको हमने टाउ से रिप्रेजेंट किया, उस टाउ को ही हमने क्या बोला है, इस टाउ को हमने बोला है रिलैक्सेशन टाइम बोला है। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, जो एवरेज टाइम है बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद दस एवरेजिंग ओवर द एन इलेक्ट्रॉन्स एट एनी गिवन टाइम टी गिव्स अस फॉर द एवरेज वेलोसिटी VD। तो अगर हम 3.16 देखते हैं, 3.16 इक्वेशन हमारी ये थी, तो ये हमारी 3.16, इसका एवरेज अगर हम बात करें, इसका इसमें हमें क्या मिली है, वेलोसिटी आफ्टर रिलैक्सेशन टाइम TI के बाद, या फिर इंडिविजुअल की बात करो, इतने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई कोलिजन के बाद, V हो गई थी। और इसका भी अगर एवरेज निकालो इस V का, तो उसको हम अब देखेंगे। तो यहाँ पर द एवरेज वैल्यू ऑफ TI देन इज टाउ, दस एवरेजिंग इक्वेशन 3.16 जो अभी हमने देखी, ओवर द एन इलेक्ट्रॉन्स एट एनी गिवन टाइम गिव अस फॉर द एवरेज वेलोसिटी VD। तो अगर हम जो फाइनल वेलोसिटी एक्चुअली कोलिजन के कुछ TI टाइम के बाद या रिलैक्सेशन टाइम के बाद एवरेज में बोलूँ, तो उसको एवरेज वेलोसिटी को अब VI का जो एवरेज होगा वो VD बोलेंगे, और इसको ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरी हम क्या हो जाएगी, VD इज इक्वल टू VI एवरेज, मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन आफ्टर TI टाइम, उसका एवरेज लूँगा तो वही हमारी क्या है, वही हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये। और इसको मैं कैसे डिनोट करूँगा, तो उस हमने पीछे फॉर्मूला देखा था, तो वो फॉर्मूला VI इज इक्वल टू VI एवरेज, स्मॉल VI एवरेज माइनस AT था, जो E कैपिटल E, ये इसको मैं कर देता हूँ, तो ये होगा VI एवरेज था हमारा स्मॉल VI, ये कैपिटल VI है, स्मॉल VI एवरेज माइनस E कैपिटल E M, और यहाँ पर TI एवरेज, इसका मैं अब एवरेज ले रहा हूँ। तो इस तरह से ये जो, अगर इसका भी अगर मैं एवरेज लूँ, अब इसका एवरेज लूँगा तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। तो और हमें पता है जो VI एवरेज है वो ज़ीरो है, क्योंकि रैंडम मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का इनिशियली, और उनका सबका एवरेज ज़ीरो है। तो जो मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई वो क्या आई, वो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरी ये आई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है एवरेज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर रिलैक्सेशन टाइम, इसे हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं। सो इसमें आगे देखते हैं, दिस लास्ट रिजल्ट इज सरप्राइजिंग, इट टेल्स अस दैट द इलेक्ट्रॉन्स मूव विद एन एवरेज वेलोसिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो ये रिजल्ट से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट है टाइम के, वो टाइम के इंडिपेंडेंट है। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटिंग, जबकि इलेक्ट्रॉन तो एक्सेलरेट कर रहे हैं फिर भी ये टाइम के इंडिपेंडेंट है। दिस इज द फिनोमेना ऑफ ड्रिफ्ट एंड द वेलोसिटी VD इन इक्वेशन 3.3 इज ऑल द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो टाइम है उसके इंडिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं करी, हालांकि ये एक्सेलरेशन इनमें हो रहा है उसके बावजूद ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो ये ड्रिफ्ट कर रही है, कोलिजन के बाद इनका एक्सेलरेशन हो रहा है, फिर ये कोलाइड कर जा रही है, फिर एक्सेलरेशन हो रहा है, फिर एक्सेलरेशन हो रहा है, फिर कोलाइड कर जा रही है, फिर एक्सेलरेशन हो रहा है, फिर कोलाइड कर जा रही है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चल रहा है। बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्ट देयर विल बी नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्जेस अक्रॉस एनी एरिया परपेंडिकुलर टू ई। अब इस ड्रिफ्ट के कारण जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस
लेफ्ट से राइट की तरफ चार्जेस मूव करेंगे. कंसिडर अ प्लेनर एरिया ए लोकेटेड इनसाइड द कंडक्टर सच दैट द नॉर्मल टू द एरिया इज पैरेलल टू ई. अब हम इस एरिया को कंसिडर करें, अगर हम इस एरिया को कंसिडर करें तो इस एरिया के जो नॉर्मल होगा, इस एरिया का जो नॉर्मल एरिया वैक्टर होगा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पैरेलल है. देन बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्ट इन एन इनफाइनाइट सिमल अमाउंट ऑफ डेल्टा टी टाइम डेल्टा टी ऑल द इलेक्ट्रॉन टू द लेफ्ट ऑफ द एरिया एट डिस्टेंस अप टू वी डी डेल्टा टी वुड हैव क्रॉस द एरिया. हमें पता है जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम है. तो यहाँ पर जो डिस्टेंस कितना मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी टाइम में, तो डिस्टेंस मूव करेंगे वी डी, स्पीड वी डी है, वेलोसिटी वी डी है और टाइम हमारा डेल्टा टी है. तो ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये इतना डिस्टेंस ऐसे रिप्रेजेंट करो तो इतना डिस्टेंस ये इलेक्ट्रॉन मूव कर चुके हैं. इफ़ एन इज़ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. अब एन क्या है यहाँ पर, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और इसका हमने नाम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से हम इसको जानते हैं. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. तो स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. इस पैरामीटर को हम यूज करेंगे यहाँ. तो हमारा यहाँ पर इफ एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इन द मेटल देन देयर आर एन डेल्टा टी वी डी ए. तो एन हमारा नंबर ऑफ, तो अगर हम मैं इस जो मेरा एन है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको मैं किसी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ये क्या है, ये खुद ही नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम है. जितना वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे उतने इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे. तो इसमें तो मैंने एन को किससे मल्टीप्लाई किया, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया है. इस वॉल्यूम से जितना डिस्टेंस वो इलेक्ट्रॉन अब मूव कर चुके हैं और उस डिस्टेंस अभी हमने निकाला वी डी इंटू डेल्टा टी. तो इस वॉल्यूम से, इस डिस्टेंस से अगर मैं इस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आया और डिस्टेंस को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे ये वॉल्यूम मिल जाएगा. तो मेरा वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा वो होगा एरिया इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी. ये मेरा वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम वो इलेक्ट्रॉन मूव करें, जितना एरिया, जितना वॉल्यूम वो इलेक्ट्रॉन, जितना वॉल्यूम वो मूव करें इलेक्ट्रॉन, जितना एरिया मूव करें और उसमें कितना वॉल्यूम है, तो उसको अगर इस वॉल्यूम को मैं एन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे उस वॉल्यूम में जितना डिस्टेंस वो इलेक्ट्रॉन मूव करे उस वॉल्यूम में मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे. तो ये कितना आ जाएगा, एन ए वी डी इंटू डेल्टा टी. इसके बाद ई इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड हैंस द टोटल चार्ज ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग ई अक्रॉस द एरिया इज नेगेटिव ऑफ दिस. और यहाँ पर इसके बाद एक लाइन थी यहाँ पर, तो जो इनका चार्ज कितना हो जाएगा, इसमें टोटल चार्ज ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, बस मैं माइनस ई से मल्टीप्लाई करूँगा इस चीज़ को. तो माइनस एन ई, एन क्या है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ई इलेक्ट्रॉन चार्ज, ए एरिया, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डेल्टा टी टाइम. तो ये हो जाएगा ई डायरेक्टेड टूवर्ड द लेफ्ट एंड हैंस द टोटल चार्ज ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग ई अक्रॉस द एरिया इज नेगेटिव ऑफ दिस. क्योंकि माइनस का साइन है इसलिए, जो ये डायरेक्शन होगी चार्ज की है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगी और इतना ही चार्ज ट्रांसपोर्ट होगा अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड. द अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग द एरिया ए इन टाइम डेल्टा टी इज गिवन बाय डेफिनेशन. तो इस ये चार्ज इट इस एरिया से डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज ट्रांसपोर्ट होगा, तो वो हो जाएगा, हमें पता है जो चार्ज होता है चार्ज ट्रांसपोर्ट पर यूनिट टाइम करंट होता है, चार्ज ट्रांसपोर्ट पर यूनिट टाइम करंट होता है. तो हम डेल्टा टी टाइम की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज ट्रांसपोर्ट होगा, वो होगा क्यू बाय टी इंटू डेल्टा टी, यानी कि आई डेल्टा टी. तो इतना चार्ज ट्रांसपोर्ट होगा इस एरिया से इतने टाइम में.
इस टाइम में इतना करंट, या ऐसे बोल सकते इतना करंट इस एरिया से फ्लो करेगा, आई डेल्टा टी। तो आई डेल्टा टी का वैल्यू कितनी होगी, तो प्लस एन ई कैपिटल ए वी डी डेल्टा टी, तो ये इसकी वैल्यू होगी। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वी डी फ्रॉम इक्वेशन 3.17, अब वी डी की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू जो हमने पीछे कैलकुलेट करी थी वो थी हमारी, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ वी डी की वैल्यू जो थी वो वी डी इज इक्वल टू क्या थी, माइनस ई कैपिटल ई बाय एम और यहाँ पर टाओ। तो ये इस वैल्यू को हम यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट करने पे ये आ जाएगा आई डेल्टा टी एनी, इसकी वैल्यू हमने वी डी की वैल्यू यहाँ पुट करी है तो ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो वी डी की वैल्यू मैंने पुट करी है, वी डी की वैल्यू पुट करी है, वी डी इज इक्वल टू माइनस ई ई टाउ बाय एम, इसकी वैल्यू मैंने किस में पुट करी है, इसकी वैल्यू मैंने आई डेल्टा टी में पुट करी है। आई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, एन ई ए डेल्टा टी और इसके साथ मल्टीप्लाई करना इसका माइनस ई ई बाय एम और हम टाओ। तो जब ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जो कि इक्वेशन 3.19 है, आई डेल्टा टी ई स्क्वायर कैपिटल ए बाय एम डेल्टा टी टाओ एन डेल्टा टी ई। तो जो वैल्यू बनी 3.19 वो बनी आई डेल्टा टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर ए एम टाओ एन डेल्टा टी कैपिटल ई। बाय डेफिनेशन आई इज रिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड जे ऑफ द करंट डेंसिटी बाय आई इज इक्वल टू जे ए, तो जे क्या थी इसमें करंट डेंसिटी जो हमने देखी थी पीछे, तो हैंस फ्रॉम इक्वेशन 3.19 एंड 3.20 तो हम इसमें जे की वैल्यू पुट करेंगे, तो हम ए को इसमें इस तरफ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं तो आई बाई ए जे आ जाएगा। तो जे किसके इक्वल आएगा, एन ई स्क्वायर एम, इसको थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा, एन ई स्क्वायर अपॉन एम टाओ कैपिटल ई। द वैक्टर जे इज पैरेलल टू ई एंड हैंस वी कैन राइट इक्वेशन 3.21 इन द वैक्टर फॉर्म, तो हम इसको वैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वैक्टर फॉर्म में जे एन ई स्क्वायर एम टाओ और ई, तो जे वेक्टर है और यहाँ पर ई वेक्टर है। तो अगर हम रिकॉल करें तो जो जे पीछे हमारा आया था ओम्स लॉ में वो क्या आया था, जे आया था हमारा सिग्मा जो कि कंडक्टिविटी थी और ई। तो यहाँ जो ये वैल्यू आई एन ई स्क्वायर अपॉन एम, ये सिग्मा आई, तो कंडक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, एन ई स्क्वायर अपॉन एम टाओ, तो ये हमारी कंडक्टिविटी आ जाएगी। इसमें यही बोला आगे, कंपेयर इक्वेशन 3.3 शोज दैट इक्वेशन 3.22 इज एग्जैक्टली द ओम्स लॉ इफ यू आइडेंटिफाई द कंडक्टिविटी सिग्मा एस, सिग्मा इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाय एम टाओ, तो सिग्मा यहाँ हमारी कंडक्टिविटी आ गई और सिग्मा का रेसिप्रोकल हमें पता है क्या था, रो था, रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी यहाँ से क्या आ जाएगी, एम एन स्क्वायर एन स्क्वायर टाओ, ये हमारी रेजिस्टिविटी यहाँ से आ जाएगी। We thus see that a very simple picture of electric conduction reproduces Ohm's law. We have of course made the assumption that T, tau and N are constant, independent of E. We shall in the next section discuss the limitation of law. तो इस तरह से हमने electric conductivity, हमने drift velocity और relaxation time के terms में find out किया।